इंदौर द्वारकापुरी थाने क्षेत्र में घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगाने वाला अपराधी थाना द्वारकापुरी की गिरफ्त में आ गया है। फरियादी हीरालाल पगारे पिता चंदनलाल पगारे निवासी 558 जी प्रजापत नगर इंदौर ने दिनांक 31 जुलाई 2020 को घर के आसपास खड़ी दो गाड़ियों में आग लगाना बताया और शंका जाहिर कर आगजनी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी वजह से इंदौर पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो बिलसी कारखाने के पास रहने वाला गोविंदा पिता ओम प्रकाश नागवानी निवासी बिलसी कारखाना रोड द्वारकापुरी का संदिग्ध दिखाई दिया। चश्मदीद गवाह द्वारा बताने पर उक्त आरोपी को फरियादी के घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार सिटी और पास में खड़ी दो अन्य मोटरसाइकिलों में आग लगाते देखा गया, जिस पर से थाना द्वारकापुरी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लेकर उक्त आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जिसे थाने ले जाकर कार्यवाही की जा रही है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। ये घटना दिनांक 31 जुलाई की घटना है, जिसमें फरियादी ने हमें आके बताया था कि हमारे घर में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल में आग लग गई है और तुरंत थाना द्वारकापुरी पर आगजनी कायम कर जांच में लिया गया था। और जांच में कथन लिए गए तो एक चश्मदीद साक्षी सामने आया, जिसने बताया कि गोविंद उर्फ राजा नाम के व्यक्ति ने ये मोटरसाइकिल में माचिस की तीली से आग लगा दी थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है आरोपी के खिलाफ। क्या कहना था नाम, मतलब बाइक जलाने का क्या था? उसमें आरोपी को हिरासत में लिया गया है, उसे पूछताछ जारी है कि क्या कारण है उसने ऐसी घटना कारित क्यों की है, उसके पीछे पुलिस छानबीन कर रही है। कहाँ का रहने वाला था आरोपी? गोविंद उर्फ राजा बिलसी कारखाना रोड द्वारकापुरी का ही रहने वाला है और इसमें आरोपी से पूछताछ की जाएगी और मामले की जांच की जाएगी। अपराध दर्ज है आरोपी पे? ये जांच में लिया गया है। अब आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है, दूसरे थानों पर भी जानकारी निकाली गई है इसकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।